गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बीएल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कॉरपोरेट अकाउंट का एक चैप्टर फाइनल अकाउंट का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। ठीक है, आप लोग पहले वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिख लो, फिर मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व करो, देखो आपको 100% समझ में आएगा। ठीक है, ये रख दी आपके सामने एक क्वेश्चन। द ट्रायल बैलेंस ऑफ बंगाल लिमिटेड 31 मार्च 2018, एक ट्रायल बैलेंस दिया है। सबसे पहले ये देखिए, ओपनिंग स्टॉक है, परचेज, सेल्स रिटर्न, दैट इज सेल्स से माइनस होगा, कैरेज इनवर्ड, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, मैन्युफैक्चरिंग वेजेज, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, सैलरी भी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, लैंड एंड बिल्डिंग आपका फिक्स्ड एसेट टेंजिबल, प्लांट एंड मशीनरी फिक्स्ड एसेट टेंजिबल, लूज टूल्स आपका इन्वेंट्री में आएगा, फर्नीचर एंड फिटिंग्स ये भी आपका फिक्स्ड एसेट टेंजिबल, कैश एंड बैंक करेंट एसेट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैरेज आउटवर्ड एक्सपेंस है, अदर एक्सपेंस में आएगा, रेंट भी एक्सपेंस है, अदर एक्सपेंस में आएगा, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन ये भी एक्सपेंस है बट फाइनेंस कॉस्ट में आएगा, सन्ड्री एक्सपेंस ये भी एक्सपेंस है अदर एक्सपेंस में आएगा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस ये बैलेंस शीट में पहले अदर करेंट एसेट्स में लिया जाएगा, और एडजस्टमेंट के हिसाब से अगर राइट अप बोलेगा तो थोड़ा बहुत राइट अप करके अदर एक्सपेंस में ले लेंगे, ऑडिटर फी ये भी अदर एक्सपेंस है, डायरेक्टर्स रेमुनरेशन ये भी अदर एक्सपेंस है, एक्सपेंस का लिस्ट थोड़ा बड़ा है, डेटर ये हो गया हम लोग का ट्रेड रिसीवेबल, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स ये शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस में ले लेंगे। तो ये ट्रायल बैलेंस डेबिट बैलेंस है, इसमें एक्सपेंसेस बहुत सारा था, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ पीएल का आइटम बेसी है, बैलेंस शीट का कुछ आइटम है लाइक दैट बिल्डिंग प्लांट लूज टूल फर्नीचर बैंक, और थोड़ा सा नीचे है आपका डेटर एडवांस टैक्स। क्रेडिट की तरफ देखिए, ये है सेल्स, सेल्स मतलब हो गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, परचेज रिटर्न, परचेज से माइनस किया जाएगा, डिस्काउंट रिसीव ये अदर इनकम है, इनकम है अदर इनकम में लेंगे, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट इसका ओपनिंग बैलेंस है, जब रिजर्व सरप्लस का वर्किंग करेंगे तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल का ये ओपनिंग बैलेंस लिखा जाएगा। दिस इज शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल 4 लाख है, 10 रुपये वाला शेयर है, इसका मतलब 40,000 शेयर हुआ। क्रेडिटर ट्रेड पेएबल में होगा, ये बैंक लोन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में होगा। इसका अगर इंटरेस्ट का बात करें, अगर साल भर का इंटरेस्ट निकालते हैं 12% तो 6,000 होता है, साल भर का 50,000 का 12%। यहां पर आप देखो इंटरेस्ट दिया हुआ था, फाइनेंस कॉस्ट का एक आइटम था इंटरेस्ट ऑन लोन, यहां 2,000, तो जरूर कुछ ना कुछ आउटस्टैंडिंग पता चलेगा। चलते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन की तरफ। ये देखो यहां बोला है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है 31 मार्च 2018, अब बैलेंस शीट उसी डेट को बनाना है। ठीक है, Schedule 3 कंपनी एक्ट को फॉलो करते हुए। यहां देखिए क्लोजिंग स्टॉक दे रहा है, क्लोजिंग स्टॉक 125 है, पीएल अकाउंट में ओपनिंग माइनस क्लोजिंग में काम आएगा, लूज टूल 10,000 दे रहा है, जबकि ट्रायल बैलेंस के अंदर लूज टूल मिला था अपने को, लूज टूल का अमाउंट था आपका ये देखिए 12,500, नीचे देखिए दे रहा है 10,000, तो इसका मतलब हो गया लूज टूल कंज्यूम्ड 2,500 अदर एक्सपेंस में ले लेंगे। क्लियर है, यहां से डेप्रिसिएशन लेंगे मशीन और फर्नीचर का पीएल अकाउंट में और इनसे लेस कर देंगे। आउटस्टैंडिंग देखिए, वेजेज में 2,500 ऐड करेंगे, सैलरी में 1,200 ऐड करेंगे, तो वेजेज का आउटस्टैंडिंग वेजेज में ऐड होगा, सैलरी वाला सैलरी में ऐड होगा, फिर बैलेंस शीट अदर करेंट लायबिलिटी में जाएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% करना है, डेटर जो अपना डेटर 1,05,200 था इस पे प्रोविजन निकाल के इससे लेस कर देंगे, अब पीएल अकाउंट अदर एक्सपेंस में लेंगे। यहां देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन बोला है फॉर 6 मंथ, इंटरेस्ट ऑन लोन 6 महीना का प्रोविजन करना है, आपको बताए थे 6,000 रुपया साल भर का इंटरेस्ट, तो इसमें 3,000 रुपया प्लस करना है आउटस्टैंडिंग। यहां लिखा हुआ भी है कि मेक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इतना इंटरेस्ट ऑन लोन 6 मंथ, प्रोविजन फॉर टैक्स जब नेट प्रॉफिट आ जाएगा तो उसके ऊपर 25% टैक्स करेंगे। यहां देखिए बोला है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस राइट ऑफ कर दो,
ये जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस जिसको हम बोले थे बैलेंस शीट में अदर करंट एसेट्स में जाएगा, उसको फुल्ली राइट ऑफ करने को बोला है, तो इसको अदर करंट एसेट में नहीं लेके अदर एक्सपेंस पीएल अकाउंट में ले लेंगे। प्रपोज डिविडेंड कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी होता है, इसलिए इसको इग्नोर करते हैं, बैलेंस शीट के बाद इसको लिख लिया जाएगा। लेकिन बोला है नेट प्रॉफिट का 5% अमाउंट जनरल लेजर में ट्रांसफर कर दीजिएगा, तो जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा उसमें से 5% रुपया माइनस करके जनरल लेजर में ले जाके प्लस कर देंगे, तो ये सरप्लस में माइनस होगा, जनरल लेजर में प्लस होगा। इसका काम दो नंबर नोट टू अकाउंट रिजर्व एंड सरप्लस में ही होगा। यहां बोला है मैनेजर को रेमुनरेशन देना है 10% ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स के ऊपर मैनेजर को 10% रेमुनरेशन देना है। और जबकि हम लोग मैनेजर को रेमुनरेशन दिए हैं कि नहीं हमको देखना होगा, नहीं कोई रेमुनरेशन मैनेजर को नहीं दिया गया है, आप ऊपर एक बार देख सकते हो कोई मैनेजर रेमुनरेशन नहीं है, तो 10% रेमुनरेशन निकाल के अदर एक्सपेंस में दे देंगे और साथ में इसको अदर करेंट लायबिलिटी में भी दिया जाएगा। ठीक है, नोट्स टू अकाउंट के साथ हम लोग को बनाना है। ये हो गया आपका क्वेश्चन, एक बार आप फिर से देख सकते हो, यहां क्लोजिंग स्टॉक और क्लोजिंग लूज टूल्स दिया है, डेप्रिसिएशन बोला है, आउटस्टैंडिंग डबल है, प्रोविजन फॉर बैड डेट बोला है, इंटरेस्ट ऑन लोन है। ठीक है, इनकम टैक्स का 25% बोला है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस राइट ऑफ करना है, प्रपोज डिविडेंड को नहीं लेंगे, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी होता है, जनरल लेजर में 5% ट्रांसफर करेंगे। अब मेन हो गया मैनेजेरियल रेमुनरेशन कैलकुलेट करके दिखाएंगे, 5% प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, चलिए चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ये रख दिया आपके सामने बंगाल लिमिटेड का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। सबसे पहले इसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लाएंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में हम लोग का सेल्स आएगा लेस रिटर्न, अदर इनकम में हम लोग को डिस्काउंट रिसीव मिला था तो अदर इनकम में डिस्काउंट रिसीव टोटल रेवेन्यू ऐड कर देंगे। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम क्वेश्चन में नहीं था, परचेज लाएंगे, परचेज में रिटर्न माइनस करेंगे, चेंज इन इन्वेंट्री दैट इज ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। ठीक है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में वेजेस सैलरी मिला था, इसके अलावा आपको फाइनेंस कॉस्ट में इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन था, डेप्रिसिएशन, अदर एक्सपेंस, हम लोग को इसके लिए नोट्स टू अकाउंट बनाना होगा। उसके बाद आएगा आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स का परसेंटेज अप्लाई करेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसके लिए हम आपको नोट्स टू अकाउंट बना के दिखाएंगे। नोट्स टू अकाउंट का रख दिया अलग से वर्किंग, एक नंबर हम आपको दिखा रहे हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में सबसे पहले सेल्स लेंगे, सेल्स था 11,70,000, इसमें से माइनस कर देंगे सेल्स रिटर्न आपका था 12,000, तो ये हो जाएगा 11,58,000। क्लियर है, इसी तरह आपको परचेज ऑफ स्टॉक में परचेजेज लेंगे, परचेजेज आपका था 7,20,000 माइनस परचेज रिटर्न को माइनस कर देंगे, परचेज रिटर्न आपका 9,000 है, ये हो जाएगा 7,11। चेंज इन इन्वेंट्री में पहले ओपनिंग स्टॉक आता है, ओपनिंग स्टॉक ट्रायल के अंदर था 1,80,000, इसमें से माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक आपको 1,25,000 है, तो आपका 55 बचेगा। ठीक है, पहले आप एक बार इतना देख लो, ये देखो सेल्स था, उसमें से सेल्स रिटर्न माइनस कर दिए। क्लियर, ये देखिए परचेज था, उसमें से परचेज रिटर्न माइनस कर दिए, ये रहा आपको 1,80 ओपनिंग स्टॉक। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखिए आपको क्लोजिंग स्टॉक 1,25 मिला, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग कर दिए। अब हम इम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस की तरफ बढ़ेंगे, इम्प्लॉय बेनिफिट में ये सैलरी लेंगे, इसके ऊपर वेजेज है ये लेंगे, वेजेज सैलरी, और यहां देखिए आप वेजेज में 2,500 आउटस्टैंडिंग है,
और सैलरी में 1200 आउट स्टैंडिंग है, इस दोनों को प्लस करके लेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नंबर नोट्स की तरफ, चार नंबर नोट्स की तरफ जा रहे हैं। इम्प्लॉई इम्प्लॉई बेनिफिट इम्प्लॉई बेनिफिट्स एक्सपेंस, इम्प्लॉई बेनिफिट्स एक्सपेंस में मैन्युफैक्चरिंग वेजेज आपका 95,150 था, इसमें प्लस कर देंगे आउटस्टैंडिंग आपका 2,500 है, 97,650। सैलरी आपका 18,000 था, इसमें भी प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग, इसका आउटस्टैंडिंग 1200 था, ये हो गया 19,200, 850, 116, 850। ठीक है, और नोट्स बना देते हैं आपको। पांच नंबर फाइनेंस कॉस्ट में इंटरेस्ट ऑन लोन था आपका 2000, इंटरेस्ट ऑन लोन आपका 2000 था, इसमें आउटस्टैंडिंग बोला हुआ था 6 महीना का 50,000, 12% 6 मंथ 3,000, तो ये हो जाएगा आपका 5,000। नंबर 6 डेप्रिसिएशन का नोट्स बना देते हैं। डेप्रिसिएशन में आपको बोला था प्लांट एंड मशीनरी का 15%, प्लांट एंड मशीनरी का कॉस्ट पहले देखना होगा, प्लांट एंड मशीनरी आपका 128,000 है, इसका 15%। फर्नीचर एंड फिटिंग्स का 10%, वो 20,000 का था। फर्नीचर एंड फिटिंग्स 20,000 का है, उसका 10% 2,000। क्लियर, इसका हो जाएगा आपका 15%, कैलकुलेट करना होगा 1,28,000 का 128 का 15%, ये हो जाएगा आपका 19,221,200। क्लियर है, सबसे इंपॉर्टेंट नोट्स होगा आपका अदर एक्सपेंसेस। नंबर 7 अदर एक्सपेंसेस का थोड़ा लिस्ट भी बेसी है। कैरेज इनवर्ट 4,900, इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 19,000, इसके अलावा आपका लूज टूल्स कंज्यूम्ड 2,500, 12,500 का था, 10,000 का बच गया 2,500। कैरेज आउटवर्ड ये आपका 5,000, इसके अलावा रेंट 5,000, और भी आपका सन्ड्री एक्सपेंस 10,250, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस 5,000, और देखते हैं ऑडिटर फी 8,000। अच्छा, और भी अभी है, डायरेक्टर्स रेमुनरेशन 25,000। और देखते हैं, ट्रायल के अंदर इतना ही है, एक बार आप देख लो फिर से। अदर एक्सपेंस में ये कैरेज इनवर्ड लिए, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस लिए, इसके अलावा यहां से लूज टूल कंज्यूम लिए, -10,000 करने से पता चला वो लूज टूल का 10,000 यहां आप एडजस्टमेंट में देखो दिया हुआ था। इसके अलावा कैरेज आउटवर्ड लिए, रेंट लिए, सन्ड्री एक्सपेंस, प्रिलिमिनरी, ऑडिटर, डायरेक्टर्स रेमुनरेशन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आइटम। अच्छा, यहां से आप देखो, ये लूज टूल का हो गया, डेप्रिसिएशन अलग हो गया था, वेजेस सैलरी का हो गया, यहां देखिए प्रोविजन फॉर बैड डेट लेना है 5%, इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस हो गया,
ठीक है, लास्ट में मैनेजरियल रेमुनरेशन सोचना होगा। क्लियर? तो एक आइटम और आएगा अभी, वो आइटम है आपका प्रोविजन फॉर बैड डेट। प्रोविजन फॉर बैड डेट डेटर्स का 105-200 का 5%, 105-200 का 5%, ये होगा 5260। ठीक है, अब इसको एक बार प्लस करते हैं, 4900, 19000, 2500, 5000, 5000, 10250, 5000, 8000, 25000, 5260। अभी तक रिजल्ट आया 89910। अभी इसमें एक एडजस्टमेंट अभी बाकी है, वो एडजस्टमेंट है आपका मैनेजेरियल रेमुनरेशन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो पहले हमको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जानना होगा, तब होगा। ठीक है, तब तक के लिए इस नोट्स टू अकाउंट को पीएल अकाउंट में फिलअप करते हैं और प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने का कोशिश करते हैं। ठीक है, नोट्स टू अकाउंट से ले आते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 11,58,000। ये नोट्स टू अकाउंट से एक नंबर 11,58,000। अच्छा, अदर इनकम का नोट्स नहीं बनाए थे, डिस्काउंट रिसीव था आपका 4000, तो ये हो गया 11,62,000। ठीक है, इसके अलावा अगर आप सोचो तो मटेरियल कंज्यूम था नहीं, परचेज ऑफ स्टॉक नोट्स नंबर 2 से ले आते हैं, उसका अमाउंट था 7,11,000। चेंज इन इन्वेंट्री नंबर 3 से लाते हैं, चेंज इन इन्वेंट्री नंबर 3 से ले आते हैं, वो है आपका 55,000। इंप्लॉई बेनिफिट नंबर 4 से आएगा 116,850। फाइनेंस कॉस्ट आपका नोट नंबर 5 से आएगा 5,000। डेप्रिसिएशन नोट नंबर 6 से चला आएगा 21,200। लेकिन अदर एक्सपेंस का नोट नंबर 7 देखिए, ये अभी इनकम्प्लीट है, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, इसको यूज करेंगे उसके बाद। ठीक है, चलिए पहले प्लस माइनस करते हैं, ये जो एक्सपेंस है आपका टोटल एक्सपेंस निकालते हैं बिफोर प्रॉफिट बिफोर रेमुनरेशन। कैसे? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस। टोटल एक्सपेंस पहले देखते हैं, 7,11 टोटल एक्सपेंस मिलाते हैं, देखिए 7,11,000, 55,000, 116,850, 5,000, 21,200, ये लिए हैं टोटल एक्सपेंस निकालने के लिए, इसको यूज किए हैं, और साथ में इसको प्लस करते हैं बिफोर रेमुनरेशन वाला जो एक्सपेंस है 89,910, 998,960, जबकि टोटल 998,960, और जबकि टोटल रेवेन्यू है 11,62,000। ये आएगा 11,62,000, रिजल्ट आएगा 163,043,040। ठीक है, एक बार आप फिर से देख लो, टोटल रेवेन्यू में तो इसको लाए 11,62 को ले आए टोटल रेवेन्यू के रूप में, टोटल एक्सपेंस कैसे लाए, ये जो एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ है उसको लाए, इसको प्लस किए, प्लस 7 नंबर नोट्स अभी इनकम्प्लीट है, 89,910 है, तो 89,910 वो इन सारे का समेशन 89,910 है। अभी इसमें ए मैनेजेरियल रेमुनरेशन ऐड करना बाकी है,
तब ये टोटल एक्सपेंस होगा, तो इसलिए इसको अभी फिलहाल लाए। तो ये आ गया 163,040। अब मैनेजेरियल रेमुनरेशन एक बार आप देख लो, मैनेजेरियल रेमुनरेशन बोला है 10% प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो मैनेजेरियल रेमुनरेशन यहां लेंगे, मैनेजेरियल रेमुनरेशन 163,040 का 10%, 16,304। क्लियर है? अब ये 16,304 यहां लाया जाएगा, 16,304। अब इसको प्लस कर देंगे, वन जीरो सिक्स टू वन फोर, ये हो गया टोटल एक्सपेंस। टोटल एक्सपेंस को अभी आप फिलअप कर देंगे, 106,214, 106,214। अब इसको प्लस करके टोटल एक्सपेंस बना देते हैं, ठीक है? टोटल एक्सपेंस आया आपका 10,15,264। अब हम लोग का जो टोटल रेवेन्यू था उससे टोटल एक्सपेंस को माइनस करेंगे, 1162,000 से टोटल एक्सपेंस माइनस करेंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा 146,736। क्लियर? और इसका आपका टैक्सेशन है आपका 25%, ठीक है? टैक्स ले आते हैं इसका 25% टैक्सेशन, 36,684। अब आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा 146,736 माइनस 36,684, 11,00,52, ठीक है? तो ये हो गया आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सबसे इंपॉर्टेंट एक बार फिर से आप देख लो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स माइनस रिटर्न, ये डिस्काउंट रिसीव्ड है, मटेरियल कंज्यूम्ड है नहीं, परचेज परचेज माइनस रिटर्न, चेंज इन इन्वेंटरी ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, एम्प्लॉय बेनिफिट में वेजेस सैलरी आउटस्टैंडिंग ऐड करके, फाइनेंस कॉस्ट में इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऐड करके, डेप्रिसिएशन मशीन और फर्नीचर का, अदर एक्सपेंस को आप एक बार फिर से समझ लो, अदर एक्सपेंस में एमडी रेमुनरेशन मैनेजेरियल रेमुनरेशन को छोड़ के अदर एक्सपेंस में आपका कैरेज इनवार्ड, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, लूज टूल कंज्यूम्ड, कैरेज आउटवार्ड, रेंट, सन्ड्री एक्सपेंस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, ऑडिटर फी, डायरेक्टर रेमुनरेशन, यहां तक की प्रोविजन फॉर बैड डेट, इसका टोटल आया आपका 89,910। एमडी रेमुनरेशन देना है 10% ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो 10% ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स देंगे तो इसको लेके प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालेंगे, तो इसको ले तो टोटल एक्सपेंस आ गया आपका 998,960, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया 163,040, उसका 10% 16,304। अब इस 16,304 को यहां पर एक्सपेंस का लिस्ट में फिलअप किए, उसको ऐड किए, टोटल एक्सपेंस आया। ये टोटल एक्सपेंस लाके ओरिजिनल फॉर्मेट में फिलअप कर दिए, उसके बाद अब रियल में टोटल एक्सपेंस आ गया, ये ऑल टोटल एक्सपेंस आ गया, इस रेवेन्यू से टोटल एक्सपेंस को माइनस किए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया, 25% टैक्सेशन बोला था, 25% टैक्स लिए, दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है? अब चलिए चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ। ये रख दिया आपके सामने बैलेंस शीट ऑफ बंगाल लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2018। बैलेंस शीट में सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी जाएगा, ए नंबर शेयर होल्डर्स फंड, रोमन वन शेयर कैपिटल, रोमन टू रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है? नॉन करेंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, करेंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेएबल, अदर करेंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ये हो गया इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इसका हम आपको नोट्स टू अकाउंट के साथ बना के दिखाते हैं, ठीक है? ये रख दिया आपके लिए नोट्स टू अकाउंट। एक नंबर बनाएंगे हम लोग शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में सबसे पहले आता है ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, फिर भी डॉट डॉट इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच
बाहर डॉट डॉट करके उसको क्लोज कर देंगे। इसके अलावा इशूड कैपिटल, तो जो शेयर कैपिटल 4 लाख था उसी को इशूड में लिख देते हैं, इशूड कैपिटल वो 40,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच दैट इज 4 लाख। सब्सक्राइब कैपिटल हम लोग का आंसर होता है, सब्सक्राइब कैपिटल में वही 40,000 इक्विटी शेयर, 40,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच, एक वर्ड इसमें ऐड कर देते हैं, फुल्ली पेड अप, कोई कॉल सिनेरियर नहीं है, तो वो हो गया 4 लाख। ये हो गया हम लोग का शेयर कैपिटल, आप एक बार देख लो, शेयर कैपिटल सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली 10 रुपये वाला 4 लाख, दैट इज 40,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। रिजर्व सरप्लस, यहाँ जनरल रिजर्व वगैरह सिक्योरिटी प्रीमियम कुछ नहीं है, रिजर्व सरप्लस का एक आइटम है पीएल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस 40,000 है, ठीक है। तो दो नंबर लाएंगे, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इसका ले आते हैं ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस आपका 40,000 था, इसमें प्लस करते हैं करेंट ईयर्स प्रॉफिट पीएल अकाउंट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 110,052, ये हो गया 150,052। ट्रांसफर टू रिजर्व का कॉन्सेप्ट बोला हुआ है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व आपको एडजस्टमेंट दिखा देते हैं। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व देखिए यहां पे मिलेगा आपको, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 5% ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो ये जो प्रॉफिट आया था 110,052, इसका 5% जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का 5%, 5503 बाहर गया 144,549, और जनरल रिजर्व यहां आ जाएगा सेपरेट, जनरल रिजर्व कुछ था नहीं, इसमें ट्रांसफर आया है 5503, तो 5503 वापस ये हो गया 150,052, क्लियर है। तो रिजर्व सरप्लस में पीएल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस लिए, उसमें करेंट ईयर का प्रॉफिट ऐड किए, ट्रांसफर टू रिजर्व माइनस, रिजर्व कुछ नहीं था उसमें ट्रांसफर टू रिजर्व प्लस कर दिए, ये हो गया रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। अब इसके बाद नंबर थ्री में आते हैं, नंबर थ्री होगा आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में वो डिबेंचर और लोन लिया जाता है, यहां पे हम लोग का 12% सिक्योर्ड बैंक लोन है, 12% सिक्योर्ड बैंक लोन 50,000, ठीक है। नंबर चार ट्रेड पेएबल्स में वो सन्ड्री क्रेडिटर, दैट इज क्रेडिटर्स अकेला आइटम है, क्रेडिटर्स आपका 62,500 है, ठीक है। अब इसके बाद लाते हैं अदर करेंट लाइबिलिटीज को ध्यान से देखिए। अदर करेंट लाइबिलिटीज में अगर आपको याद हो तो आउटस्टैंडिंग वेजेस आपका 2,500 था, आउटस्टैंडिंग सैलरीज 1,200 था, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 6 महीना का निकाले थे 3,000, और आउटस्टैंडिंग मैनेजरियल रेमुनरेशन का वर्किंग किए थे तो उसका आउटस्टैंडिंग आया था 16,304, ये सारा आउटस्टैंडिंग था 2,500, 1,200, 3,000,
और 16304, रिजल्ट इज 23004। अच्छा और एक वर्किंग करते हैं नोट्स टू अकाउंट के लिए, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। अगर आपको याद हो तो प्रोविजन फॉर टैक्स किए थे, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 25% प्रोविजन फॉर टैक्स किए थे। प्रोविजन फॉर टैक्स का अमाउंट था आपका 36,684। तो ये जो नोट्स बनाए हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व, सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, ट्रेड पेएबल्स, अदर आउटस्टैंडिंग, शॉर्ट टर्म, इसको हम लोग बैलेंस शीट में फिलअप कर देते हैं। ये रहा आपका बैलेंस शीट, इसमें नोट्स टू अकाउंट के साथ नंबरिंग के साथ फिलअप करते हैं। शेयर कैपिटल आपका 400,000, रिजर्व सरप्लस 150,052, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स नंबर 3 50,000, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है नहीं, ट्रेड पेएबल नंबर 4 62,500, अदर लाइबिलिटी 5 23,004, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस नंबर 36,684। अब इसको प्लस कर देते हैं, इसको प्लस करने के बाद रिजल्ट आया आपका 722,240। ठीक है, तो ये हो गया शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल, अदर करेंट लाइबिलिटी और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। इसको फिलअप करने के लिए ये नोट्स टू अकाउंट हेल्पफुल है। सबसे पहले शेयर कैपिटल का बना, रिजर्व सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल्स, अदर करेंट लाइबिलिटी को जितना आउटस्टैंडिंग था लिया है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स लिया है। इसके बाद आप एसेट्स को देख लो एक बार, एसेट्स के अंदर में कौन कौन है। एसेट्स में देखो आप, सबसे पहले फिक्स्ड एसेट, टेंजिबल, इंटेंजिबल, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, याद है हम लोग ट्रायल रीड किए थे, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट नहीं था, यहाँ तक कि इंटेंजिबल नहीं था, सिर्फ टेंजिबल था। इन्वेंट्री लाएंगे, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस था, अदर करेंट एसेट नहीं था। तो हम लोग को नोट्स बनाना होगा, नोट टू अकाउंट, टेंजिबल का 7 नंबर देंगे, इन्वेंट्री का 8, ट्रेड रिसीवेबल 9, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 10, शॉर्ट टर्म 11। ओके, अब बैलेंस शीट के लास्ट में नीचे कंटिंजेंट लाइबिलिटी, कंटिंजेंट लाइबिलिटीज कोई मिला तो उसको कंटिंजेंट लाइबिलिटी में लिख देंगे। चलिए इसका नोट टू अकाउंट तैयार करते हैं। नंबर 7, फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल। फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल में सबसे पहले लाते हैं लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग में कोई डेप्रिसिएशन नहीं था, लैंड एंड बिल्डिंग 1,65,000। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू आपका 1,28,000 है, इसमें डेप्रिसिएशन था। फर्नीचर एंड फिटिंग्स, फर्नीचर एंड फिटिंग्स आपका 20,000 का था और इसमें भी डिप्रिसिएशन था। तो प्लांट एंड मशीनरी का डिप्रिसिएशन आपका 128,000, इसका डिप्रिसिएशन था आपको 19,200। तो ये हो गया 108,800। इसका डिप्रिसिएशन 2,000 था, ये हो गया आपका 18,000। इसको प्लस कर देंगे, ये हो जाएगा हम लोग का फिक्स्ड एसेट्स टेंजेबल, ये आ गया 291,800। इसके बाद नंबर 8 लाते हैं इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज में लूज टूल्स को लिखते हैं, लूज टूल्स 12,500 था, वो 10,000 का बचा था, इसका मतलब कंज्यूम्ड हुआ था 2,500, तो 10,000।
इसके अलावा क्लोजिंग स्टॉक था, क्लोजिंग स्टॉक आपका 125 था, तो हमारा इन्वेंट्री 135 का हो गया। ठीक है, इसके अलावा नंबर 9 में लाते हैं आपको ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स में डेटर आता है, हम लोग का डेटर था आपका 105,200, इसमें प्रोविजन फॉर बैड डेट हुआ था 105,200, प्रोविजन आपका 5% था, 5,260, रिजल्ट था 99,940। 10 नंबर में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश एंड बैंक था, कैश एंड बैंक का बैलेंस था आपका 115,500। 11 नंबर शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस, एडवांस टैक्स पेड था, ट्रायल का लास्ट आइटम 80,000, एडवांस टैक्स पेड आपका 80,000। एक बार आप देख लो, फिर इसको बैलेंस शीट में फिलअप करा देते हैं। ठीक है, एक बार देखो, ये देखिए फर्नीचर बिल्डिंग मशीन टेंजिबल हो गया, लूज टूल्स और नीचे से क्लोजिंग स्टॉक, ये हो गया इन्वेंट्री। ये देखिए डेटर अलेस प्रोविजन, एडवांस टैक्स शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस, कैश एंड बैंक, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, बाद बाकी सारा एक्सपेंसेस वगैरह था, पीएल में जा चुका, ये रहा बैलेंस शीट। प्रिलिमिनरी अदर करेंट एसेट होता है, लेकिन राइट ऑफ हो चुका है, क्लियर है। अब हम लोग लाके उसको बैलेंस शीट में फिलअप करते हैं। नंबरिंग आपको पहले से लिख दिए हैं, 7 नंबर में टेंजिबल फिक्स्ड एसेट 291,800, इन्वेंटरी इंटेंजिबल और इन्वेस्टमेंट नहीं है, इन्वेंटरीज 135,000, ट्रेड रिसीवेबल 99,940, बैंक एंड कैश 115,500। अच्छा, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस का 80,000, अदर करेंट एसेट है नहीं, तो 291,800, 135,000, 99,940, 115,500, 80,000, 722,240, ये हुआ एसेट्स। यहाँ देखिए पहले से इक्विटी एंड लायबिलिटीज है, इसका मतलब हुआ टोटल मैच कर रहा है, हम लोग सही है, क्लियर है। अब आइए कंटिंजेंट लायबिलिटी, यहां देखिए प्रपोज किया है 15% डिविडेंड, कैपिटल है आपका 4,00,000, तो 4,00,000 का 15% हो जाएगा 60,000, दिस इज प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड कंटिंजेंट लायबिलिटी हो गया है। ओके, तो यहां ले आते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी, लिखे थे प्रपोज्ड डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड 4,00,000 का 15%, दैट इज 60,000, ये हम लोग का बैलेंस शीट का आइटम नहीं है, आफ्टर बैलेंस शीट इसको फुट नोट शो कर देते हैं। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन, बैलेंस शीट बना दिए, पीएल बना दिए, नोट्स टू अकाउंट के साथ। ठीक है, आप लोग वीडियो पॉज करके क्वेश्चन लिखिए मेरे साथ, एक एक पॉइंट धीरे धीरे सोल्व कीजिए, देखिए आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।